हमने यही इनको कहा है कि देखो हमें जब तक पैदावार नहीं बढ़ेगी तो आप तरक्की का सोच दें या इनकम का सोच दें। पैदावार के बाद पैदावार होगी, प्रोडक्शन होगी तो आपको इनकम होगी ना, जीडीपी तब ही होगा। हमारी तो प्रोडक्शन ही नहीं, हमने अपनी जरात तबाह कर दी है। आप तो खुद सिंध में, मैं खुद कई दफा गया हूँ, सारी जमीने बेचारी बेकार पड़ी है, बंजर पड़ी है। आपने देखा है, आपने देखा है कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो माइनर, खुद कह रहे हैं इसहाक डार, मतलब ये तो वो है कि हुकूमत अपने मुंह से जो डेटा बता रही है उसको आप और थोड़ा सा पीछे ले जाएं, यानी कि खुद हकूमती वजीर ये कह रहा है कि हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो इस दफ़ा मनफी 2.97 रही है, यानी मनफी 2.97% रही है जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। तो फिर किस तरीके से पैदावार, ये क्या फार्मूला था जो पूरे साल कुछ भी ना बढ़ सका और इंडस्ट्री भी ना चल सके? देखो इंडस्ट्री के तो चलो बहाना डेली कहते हैं, हमें बिजली नहीं मिलती, हमें गैस नहीं मिलती, हमें महंगी पेट्रोल महंगा हो गया, हमारी ट्रांसपोर्ट कास्ट बढ़ गई है, बाहर शिपिंग कास्ट बढ़ गई। चलो उनके देख बहाना एक्सेप्टेबल है, यूक्रेन वार की वजह से उनको जो है लॉस हो रहे हैं, रीजन में इतना यूटिलिटी के बिल ही नहीं है जितने हम चार्ज कर रहे हैं। पूरे इंडिया में, बांग्लादेश में जिनका हमारा मुकाबला है, उनका पर यूनिट जो है कास्ट है 2 से 3 रुपए, हमारी पर यूनिट कास्ट 18 रुपए, ये बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है इसमें। लेकिन उसके अलावा हमारी जो इम्पोर्ट बिल है वो बहुत महंगा हो गया डॉलर की वजह से। जो चीजें आपको पता है एक्सपोर्ट होती है मैन्युफैक्चरिंग, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो 60% तो उसमें इम्पोर्ट होती है और 40% उसकी एक्सपोर्ट होती है। जब आपकी इम्पोर्ट महंगी होगी तो पैदावार आपकी महंगी होगी, पैदावार जब महंगी होगी तो मार्केट का मुकाबला ही नहीं कर सकते। तो ये तो चलो एक चीज अलग होगी, ये तो इंटरनेशनल क्राइसिस आया तो पाकिस्तान सैलाब की वजह से इन सारी चीजों में पीछे चला गया, और सैलाब ने हमारी जो मैशियत का उसके बड़े वर्क होंगे, जितनी भी इंडस्ट्री है पोर्ट है ये काटन से चलती है, काटन की पैदावार आपकी वैसे कम हो रही है दिन ब दिन, और बाकी जो है आपकी फसलें सारी पानी में बह गई। आपको उसमें कोई शक नहीं, कमी कुदरती आफात से भी बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन हमारी अपनी ये मैं कहता हूँ हमारी इस वक्त 9 मिलियन एकड़ जमीन काश्त ही नहीं हो सकी, बीज ना होने की वजह से, खाद ना होने की वजह से। ये मैं इसकी नलैकी की बात करूँ, ये पैदावार हमने हाथों से जया कर दी 6 महीने मोती, आज पाकिस्तान का मुख्तलिफ हालत होता है, चलिए पैदावार कम होती। अभी भी वक्त है, मैंने ऑफिस में डार साहब से मीटिंग में ये चीजें मैंने हाईलाइट की, ट्रेड मिनिस्टर नवीद कमर साहब से इतफाक से मेरे में जहाज में सफर कर रहे थे, फिर मैंने 2 घंटे उनसे काफी बहस की, उन चीजों उन्होंने कहा है बिल्कुल मैं इस चीज को मानता हूँ, हमें जो है यूरिया का स्मगलिंग का बड़ा इफेक्टेड पड़ता है, जो कि सारी अफगानिस्तान चली जाती है, जिम्मेदार को मिलती ही नहीं है, और उसके पूरे साल की फसलें तबाह होकर के हमें हाथों से बैठ जाते हैं। तो हुकूमत को मैं समझता हूँ अल्लाह ने जो पाकिस्तान को जरी रकबा दिया है वो भी अभी सिर्फ 43% आबाद है, और 57% आबाद ही नहीं कर पे आबाद कर सकते, उसको भी आबाद कर लें तो हमारी सारी जीडीपी बढ़ जाए, हमारी पैदावार बढ़ जाए, हमारा। हाँ, लेकिन नहीं, ये तो देखे ना आप, ये देखें कि आप समझते हैं कि ये जमीनें आबाद नहीं कर रहे अपनी बरामदार, और 470 अरब रुपए तकरीबन, यानी 463 अरब रुपए आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट में रख दिया, यानी कि वो 12,000 रुपये 3 महीने, यानी 3,000-4,000 रुपये पर आपने जो है वो लोग परमिनेंट, यानी ये 460 अरब रुपए आप लगा के कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास मतलब कौन कौन से सेक्टर हैं, किस तरीके से ये बात इनको समझ नहीं आती? इस चीज के बारे में मैंने इनको बड़ा समझाया था, ये अपनी कौम को भिखारी ना बनाएं, इनको अपने कौम पे खड़ा करें, उनको मछली की डोरी दें और मछली पकड़ना सिखाएं, स्किल्ड करें, और यही हम इसको तहसील सतह पे ले जाएं, और इसी फंड को हम वहां को स्किल्ड करके एक काटेज इंडस्ट्रियल एरिया बना दें, जैसे चाइना ने किया है, फ्रांस ने किया है, इंडिया ने किया है। इन्होंने छोटे